मैं तो फेड करना चाह रही हूँ, पर जो मेरे निपल्स हैं, वो जो निपल्स हैं वो अकट गए हैं, सूज गए हैं, रॉ हो गए हैं, जलन हो रही है, क्रैक हो गए हैं, ये क्या हो गया? तो देखिए, कोई ना कोई तो ब्रेस्ट केयर भी होगी। ब्रेस्ट केयर का सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप जिस, अगर आप बच्चे को दूध बॉटल से भी पिला रहे हैं, निपल से भी पिला रहे हैं, आप बॉटल धोएंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, निपल को स्टेरिलाइज करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पर सादे पानी से या पानी साबुन से या सादे साफ पानी से आप ब्रेस्ट को पोंछिए दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद, तो साफ हो गए। यदि आपको लगे कि इसमें कोई कट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको क्रीम वगैरह सब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला इलाज, आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क अपने निपल्स पे लगा दीजिए। वो फैट में रिच है, उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, इन्फेक्शन रोकने की चीज़ें हैं, तो सबसे पहला तो ये इलाज है। दूसरा, ऑफकोर्स मार्केट में क्रीम्स भी हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है अगर इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है। आपको पता है कि वैसे भी दूध मलाई होती है वो लगाई जा सकती है, घी लगाया जा सकता है, सभी टोटके हैं, पर सबसे जो असरदार और बेहतरीन है, आप अपना ब्रेस्ट मिल्क ही लगा लीजिए। अगर किसी के सोर हो जाता है एक राइट साइड का, सपोजिंग ब्रेस्ट का निपल, तो लेफ्ट साइड से फीड करिए और राइट साइड से मत करिए, पर उसका दूध निकाल के एक्सप्रेस कर दीजिए या फेंक दीजिए, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि नहीं, मेरे ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हैं, तो इसलिए उसके ऊपर निपल प्रोजेक्टर्स भी होते हैं, निपल एलिवेटर्स भी होते हैं, निपल शील्ड्स होती हैं। निपल शील्ड होती है ताकि ये जो कट रहे हैं आपको तकलीफ ना हो, और बच्चा जब तक वो हील होता है, ठीक होता है, तब तक आप शील्ड लगा लें। कि आप निपल शील्ड भी ख़रीद सकती हैं और वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चा अगर अटपटे तरीके से पी रहा, कोई बच्चा अटपटे तरीके से नहीं पीता, जो दूध उसने पीना है उसको ना आपके निप्पल पे नहीं लैच करना है, निप्पल के आसपास जो काला हिस्सा है एरियोला उसको पकड़ना है, उसको वो दीजिए पकड़ने के लिए। अगर वो निप्पल पर ही लगा रहेगा तो कैच करेगा तो उसे काटेगा, वो उसमें चोट आएगी, उसमें दर्द आएगी और वो सोर यानी कि तकलीफ देह हो जाएगी। और यदि आप दूध नहीं पिलाती हैं ठीक तरीके से, एक ब्रेस्ट से नहीं पिलाती, तो कई बार ब्रेस्ट के अंदर दूध की गांठें बन जाती हैं, और ये गांठें हमको ना एक किस्म से मालिश करके, एक्सप्रेस करके इसमें से दूध निकाल देना चाहिए। यदि हम उसको ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, बेध्याना करते हैं, तो उसके अंदर कई बार पीत पस यानी एब्सेस बन जाता है, और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता, उसको चीरा लगा के ही रिलीज करना होता है। अगर ब्रेस्ट एब्सेस भी हो जाए तो आप दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिला सकती हैं, जब तक वो वाली साइड हील हो। ये मैंने जो छोटी छोटी आपको बातें बताई बहुत ज़रूरी। मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए 9936009 पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।